पर्दा, जिसे एक ज़माने में औरत का गहना समझा जाता था, वो आज लोगों के तासुब का शिकार हो गया है और पर्दे के बारे में इतनी बदख्याली पैदा कर दी गई है कि जो औरतें पर्दे का एहतमाम करती हैं वो पूरे तौर पर पिछड़ेपन का शिकार है। बूटे की एक शक्ल दे दी गई है कि वो एक कैदखाना है और एक ऐसा तस्वीर पैदा कर दिया गया है कि पर्दा नशी ख्वातीन दुनिया में बेपर्दा औरतों के मुकाबले कदम से कदम मिलाकर चलने में नाकाम है। कहा जाने लगा है कि पर्दा करने वाली औरतों के हिस्से में सिर्फ आधा सूरज ही आता है और वो कभी पूरे सूरज की तमन्ना भी नहीं करती। हर कौम की अपनी अलग तहजीब, रिवायत और पहचान होती है, जिसमें से मुस्लिम ख्वातीन में पर्दे को एक अलग पहचान हासिल है। लेकिन जो लोग आज हिजाब को आज़ाद समझते हैं, उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि हिजाब पहनने वाली औरतें भी उसी तरक्की को हासिल कर सकती हैं जो एक गैर पर्दे वाली है। So I don't think so it is any garment can have any impact on the intelligence of a person. So it's basically your personality and not your attire that influences a society. I have never felt that my dress has ever been a hindrance. I have enjoyed perfect symmetry in wherever I have gone, and in fact I have been extremely respected. In fact, I feel very, very confident wherever I go, and I feel extremely comfortable as well. It is not at all debatable. In fact, those who are debating are wasting their time. They should be more concentrating on the development of the country and upliftment of the society rather than seeing as to who is wearing what. लेकिन आज के दौर में कुछ मफाद परस्तों ने अपनी पहचान बनाने के लिए और मीडिया में सुर्खियां पाने के लिए पर्दे को गलत रंग दे दिया है। बदकिस्मती से आज के ज़माने में हिजाब को औरतों की माशी और इक्तिसादी तरक्की में रुकावट समझा जाने लगा है। हिजाब के सिलसिले में मेरा अपना ख़्याल ये है कि इसको दो तरीक़े से देखना चाहिए। एक तो हिजाब की हैसियत ड्रेस की और एक आइडेंटिटी सिंबल की है, और दूसरे हिजाब की हैसियत उन एटीट्यूड से है जो उससे जुड़े हुए हैं। जहाँ तक सवाल है उसके ड्रेस होने का और उसके एक अलामती मतलब शना जो आइडेंटिटी सिंबल होने का, मेरा अपना ये ख़्याल है कि उससे किसी भी किस्म की रुकावट एजुकेशन में या इकोनॉमिक एडवांसमेंट में मुस्लिम औरत को नहीं होती है, क्योंकि वो एक तरीके की ड्रेस है और बहुत सारी तरीके की ड्रेस हो सकती हैं। ड्रेस के मुतालिक ये कहना कि कौन सी ड्रेस एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए ज़रूरी है, ये पैरामीटर अभी हिंदुस्तान में न तय हैं और ना ये तय हो सकते हैं। तो तस्लीमा नसरीन का अपना कुछ इंटरप्रिटेशन हो सकता है, कुछ दूसरे लोगों का अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है। ये इस्लाम ने इजाज़त दी है, हर एक इंसान को कुरान और हदीस को इंटरप्रेट करने के लिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब इंटरप्रिटेशन करे कोई इंसान तो उसको जानकारी होना चाहिए कुरान और हदीस के बारे में।
लेकिन इसके बरक्स इन चीज़ों को रुकावट ना मानते हुए आज की पर्दा नशी औरतें आर्ट्स और सोशल साइंस जैसा इल्म हासिल करने से लेकर जदीद कंप्यूटर साइंस और मेडिकल का इल्म बगैर किसी रुकावट के हासिल कर रही हैं। ऑब्जर्व द डिफरेंसेस, काफ़ी डिफरेंसेस ऑब्जर्व किए हैं हमने और ये डिफरेंसेस हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह में पॉजिटिव दिखे क्योंकि आई हैड एन एडवांटेज ओवर द अदर्स। अगर एक स्टेटमेंट हम देते थे और कोई और देता था तो माई स्टेटमेंट वो हैड मोर वेटेज ओवर अदर्स एंड आई फेस नो हर्डल्स एनी वेयर राइट फ्राम माई स्टूडेंट लाइफ टिल नाउ कोई हर्डल्स नहीं हुए नॉट इवन इन इंटरेक्टिंग विद पेशेंट्स नॉट इवन इन इंटरेक्टिंग विद अटेंडेंट्स और एनी अदर फेलो डॉक्टर्स और सीनियर्स और इवन जूनियर्स। जहाँ तक इंटरेक्शन और इंटेंशन का मामला है वहाँ पर अल्लाह ताला ने ये इजाज़त दी है एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशंस। जहाँ पर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे फेलो मैन से तो अगर आपका इंटरेक्शन सोलली लिमिटेड अप टू इंटरेक्शन फॉर योर प्रोफेशनल एस्पेक्ट है तो वहाँ तक इजाज़त दी जाती है। सारी चीज़ें इंटेंशन पर डिपेंड करती हैं। अब अगर हम पेशे के ताल्लुक से बात करें तो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से लेकर पेशे के दूसरे शोबों में भी उनकी नुमाया तादाद है। इसके साथ साथ सियासत में भी उन्हें अपनी आमद दर्ज कराने से भी कोई गुरेज नहीं है। सवाल है मैं अभी तक जहाँ तक मैंने स्टडीज़ अपनी की हैं और जहाँ तक मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हूँ मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि अबाया लगा के मुझे कहीं पे नुकसान हो रहा हो क्योंकि एमयू पॉलिटिक्स में अब तो ताल्लुक़ रखती हूँ। किसी तरह की भी मीटिंग को अटेंड करने में कहीं पे भी किसी भी गैदरिंग में जहाँ पे मुझे फेस करना पड़ता है बॉयज़ के साथ रहना पड़ता है उठना बैठना पड़ता है मुझे ज़रा से भी कोई भी झिझक महसूस नहीं होती है और ये सिर्फ कॉन्फिडेंस मुझे सिर्फ अबाया से ही आया है। आज परेशानी ये है कि पर्दे के ताल्लुक से एतमाद की जगह एक गहरा शक परवरिश पा रहा है। आखिर में नतीजा यही निकलता है कि पर्दा न तो किसी पिछड़ेपन का और ना ही किसी घुटन का नाम है।